आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और वैसे तो दुनिया में बहुत सारे आविष्कार भी हुए हैं और आए दिन आविष्कार होते भी रहते हैं, लेकिन कुछ आविष्कारों ने इन विज्ञान के रहस्यों को सुलझाकर हमें एक नई दिशा दिखाई और हमारे जीवन को सफल बनाने में विज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ भी रहा। आप जितनी भी चीजें आज इस्तेमाल करते हैं अपनी दिनचर्या में, उन चीजों को किसी ना किसी ने डिस्कवर किया, यानी कि उनका आविष्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक रहे जिनकी अपने ही आविष्कारों की वजह से मौत हुई। अधिकतर आविष्कारों का पहला प्रयोग यूं तो पहली बार या तो किसी जानवर पे किया जाता था या साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक खुद उस आविष्कार को अपने ऊपर प्रयोग में लेते थे। लेकिन कुछ ऐसे आविष्कार रहे जो जानलेवा साबित हुए और वैज्ञानिकों की मौत का कारण भी बने। तो आज हम ऐसे ही वैज्ञानिकों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी मौत उनके खुद के आविष्कार के द्वारा हुई। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले फ्रांस रिशेल्ट पेशे से एक टेलर होने के साथ साथ एक इन्वेंटर भी थे, जो पैराशूट बनाने और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रसिद्ध हुए। फ्रांस रिशेल्ट का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रिशेल्ट ऑस्ट्रेलिया के यूं तो एक दर्जी भी थे और रिशेल्ट ने पायलटों के द्वारा पहने जाने वाले पैराशूट को डिजाइन किया था, यानी कि इसका जो पहला डिजाइन था वो फ्रांस रिशेल्ट ने किया था। यह आविष्कार उन्होंने इसलिए किया था कि जब कोई विमान क्षतिग्रस्त हो तो पायलट को बचाया जा सके। फ्रांस रिशेल्ट ने अपने पहले ही परीक्षण में एक डमी का उपयोग किया। डमी के साथ किया गया परीक्षण जो था वो सफल रहा। इसके बाद उन्होंने इस पैराशूट का प्रयोग खुद पर किया और उन्होंने एफिल टावर के निचले स्तर से छलांग लगाई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और उनकी मौत हो गई। मौत होने की असली वजह थी पैराशूट का ना खुलना। मैरी क्वेरी को हम सभी जानते हैं कि वह दुनिया में एक कितनी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थी, क्योंकि उन्होंने रेडियम की खोज करके दुनिया के सामने एक बड़ा चमत्कार किया था। भौतिक और रसायन विज्ञानी की बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक मैरी को आज दुनिया उनके आविष्कार की वजह से जानती है। 7 नवंबर 1867 में क्वेरी का जन्म हुआ था। वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने 26 जुलाई 1895 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक पीरी क्वेरी से शादी की थी। 2 साल बाद 1897 में मैरी ने बेटी इरने का स्वागत किया। इसके बाद 1904 में उनकी दूसरी बेटी ईव ने जन्म लिया। रेडियोएक्टिविटी क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली मैरी ने रेडियम और पोलिनियम तत्वों की खोज की थी। इसके साथ ही उन्होंने रेडियोएक्टिविटी का सिद्धांत भी दिया था। उनकी खोजों के बदौलत एक्सरे का आविष्कार भी हो सका है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला होने के साथ साथ और रसायन जैसे क्षेत्रों में 2 अलग-अलग नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मैरी क्वेरी आज भी एकमात्र इंसान हैं जिन खोजों के लिए उनको जाना जाता है, वही उनकी मौत के कारण बने। 4 जुलाई 1934 को क्वेरी की मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि वह लंबे समय से विकिरण के संपर्क में थी, यानी कि रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से मैरी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जीन फ्राइंग कोइस फ्रेंच टीचर रोजर फ्रांस में रहने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्रियन थे, जिन्होंने 1783 में पहली बार हॉट बैलून की सवारी की थी। जीन फ्राइंग कोइस का जन्म 1754 में फ्रांस के मैटिज में हुआ था। वह भौतिक और रसायन शास्त्र के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने पहला सफल गुब्बारा पेपर और लिनन को मिलाकर बनाया था, जो नीचे से खुला होता था। गुब्बारे के नीचे से आग के द्वारा हवा को गर्म करके उड़ाया जा सकता था, जिसे हॉट एयर बैलून का नाम भी दिया गया था। 15 जून 1785 में वह दुनिया में उड़ने वाले पहले इंसान बन गए थे। इस काम को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्रदान की। वह यह गौरव किसी और को देना भी नहीं चाहते थे। बाद में 2 अन्य लोगों ने सबसे पहले हॉट बैलून से इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया और वह दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
रोजर को उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या हुई, जिसके कारण उन्होंने उन दोनों से बेहतर एक नया बैलून तैयार किया और इससे इंग्लिश चैनल को पार करते समय किसी गड़बड़ी की वजह से उड़ान के दौरान उनकी मौत हो गई। गुब्बारों को उन्होंने अपने भाई के साथ यूं तो मिलकर बनाया था, लेकिन उनकी यह उड़ान पेरिस में हजारों लोगों ने देखी थी। उनका गुब्बारा बहुत ऊपर तक गया, पर उनके गुब्बारे में विस्फोट के कारण उनकी हवाई दुर्घटना में ही मौत हो गई और वो ऊपर ही अपना दम तोड़ चुके थे। मैक्सवेलियर का जन्म 9 फरवरी 1895 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अलग अलग चीजें बनाने का एक बड़ा शौक था। मैक्स रॉकेट के संभावित भविष्य के बारे में भविष्य करने वाले इंसानों में से पहले इंसान थे। मैक्स ने 1928 और 1929 के बीच स्विच बोन्स के साथ मिलकर रॉकेट आविष्कारों की शुरुआत की थी। बड़े होकर मैक्स ने कई तरह की रॉकेट कारों का निर्माण किया था। इसके अलावा उन्होंने तरल ईंधन वाले रॉकेटों का परीक्षण भी किया था और यही परीक्षण बाद में उनकी मौत की वजह बन गए। 1930 में 35 वर्ष की उम्र में परीक्षण केंद्र में हुए एक विस्फोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के उन्होंने तरल ऑक्सीजन गैस लीन ईंधन रॉकेट का परीक्षण किया, जो कि असफल रहा। दो सफल परीक्षण के बाद जब उन्होंने तीसरे परीक्षण की कोशिश की तो विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लुइस अलेक्जेंडर स्लॉटिन। सन 1946 में लुइस अलेक्जेंडर सहित 8 वैज्ञानिकों का एक दल प्लूटोनियम बम का एक जटिल प्रयोग कर रहा था, जिसके तहत उनको प्लूटोनियम से भरे दो अर्ध गोलाकार हिस्सों को इतना करीब लाना था कि वह विस्फोट के लिए तैयार हो सके। इससे पहले उन्होंने इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग किए थे, लेकिन प्लूटोनियम के दो हिस्सों को अलग अलग रखने के लिए स्क्रू ड्राइवर के अचानक खिसक जाने में एक बहुत ही बड़ा जोर का धमाका हुआ और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। थॉमस एंड्रेव्स का जन्म 7 फरवरी 1873 में उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। उनको टाइटैनिक को डिजाइन करने के लिए भी जाना जाता है। उनके भाई जॉन उत्तरी आयरलैंड के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अप्रैल 1912 में जब वह पहली यात्रा के लिए टाइटैनिक पर पहुंचे थे तो 14 अप्रैल को टाइटैनिक एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। थॉमस एंड्रेव्स जहाज पर हुए नुकसान से आकलन किया और बताया कि जहाज जल्द ही डूब जाएगा। उन्होंने लाइफ बोट से लोगों को निकालने का फैसला किया। टाइटैनिक पर उनका आखिरी बार प्रथम श्रेणी के धूम्रपान कक्ष में देखा गया था। 15 अप्रैल को 2:20 पर जब जहाज डूब गया और उन्होंने अपनी जान गंवाई। हालांकि उनका शरीर तो कभी बरामद नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जहाज से डूबना ही उनकी तकदीर में लिखा हुआ था। विलियम बुलक। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पहले से ही हो चुका था, पर इसको आगे 1865 विलियम बुलक ने रोटरी प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार करके इस उद्योग को एक विशाल छलांग लगाने का काम किया था। इस आविष्कार से सिंगल शीट हैंड प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। विलियम बुलक की प्रिंटिंग मशीन लगभग प्रति घंटे 12,000 शीट का उत्पादन करने में सक्षम थी, जिसमें दोनों तरफ से 5 मील तक के रोल प्रिंट हो सकते थे। पर कुछ समय बाद 1867 में विलियम बुलक का पैर मशीन के नीचे आ गया और उनकी कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। फ्रांसिस एडगर स्टैनले एक अमेरिकी व्यापारी थे। एडगर और उनके जुड़वा भाई ऑस्कर स्टेनली मोटर कैरिज कंपनी के संस्थापक थे। 1874 में उन्होंने फोटोग्राफी स्टूडियो खोला था, जो कुछ सालों के भीतर नए इंग्लैंड के सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक था। उस समय उन्होंने पहली बार फोटोग्राफिक एयरब्रश पेटेंट की प्रयोग किया था, जिससे फोटो को रंगीन करने के लिए उपयोग किया गया। उन्होंने स्टीम इंजन वाली कार भी बनाई थी, जो कि उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। एक दिन जब वह अपनी कार से कहीं जा रहे थे, इस दौरान उनकी कार एक दुर्घटना का शिकार हो गई और उनकी वहां पर मौत हो गई। यानी कि सबसे पहली बार स्टीम इंजन की जो कार बनाई थी वो फ्रांसिस एडगर स्टैनले और उनके जुड़वा भाई ऑस्कर ने मिलकर बनाई थी।
अब सिर्फ यही वो इंसान या यही वो आविष्कारक नहीं थे जिनके खुद के आविष्कार की वजह से मौत हुई थी। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या बहुत सारे ऐसे आविष्कारक रहे हैं जिनके खुद के आविष्कार की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपनी जान जरूर गंवाई, लेकिन लोगों के काम आए वो हमेशा, क्योंकि आज हम जितनी भी चीजों का उपयोग करते हैं उनमें से 95% चीजें ऐसी हैं जिनका आविष्कार उनके आविष्कारों की यानी कि आविष्कार करने वालों की मौत साबित हुआ, लेकिन आज भी वो हमारे इतनी ज्यादा काम आती हैं कि उनको हम कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।